हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.15 हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में कुछ ग्राफ गिवन है ना, जैसे फर्स्ट ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। हमको बताना है कोई एक सुटेबल कंडीशन जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्स्ट देखो यहाँ पर पोजीशन पहले पॉजिटिव हो रही है, फिर पोजीशन वापस से जीरो हो रही है ना, है ना, और फिर स्टॉप हो गया, वो रुक गया। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हमने कोई वॉल पर बॉल फेंका, है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो था, वो वॉल बॉल जो है वो वॉल की तरफ मूव किया और वापिस से वो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो उसका पोजीशन पहले x इक्वल टू मान लेते हैं x नॉट तक पॉजिटिव इंक्रीज होगा, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पर वापस आ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ जाके वो बॉल रुक गई। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, व्हेन अ बॉल थ्रोन ऑन वर्टिकल वॉल। ओके, व्हेन फर्स्ट वाला हम एग्जांपल दे सकते हैं, व्हेन अ बॉल, है ना, अ बॉल थ्रोन ऑन अ वर्टिकल वॉल। ओके, अब बी वाला पार्ट देखो, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई नेगेटिव, फिर एकदम से वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना, वो वापिस से पॉजिटिव हो गया। तो ये एक बाउंसिंग बॉल का केस है। ओके, है ना, ये केस है बाउंसिंग बॉल। ओके, तो यहां पर देखो वो बॉल का हम ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि यहाँ ऊपर से हमने थ्रो किया तो वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है, सॉरी हमने नीचे से थ्रो किया है, ऊपर फेंका है बॉल को तो ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, वेलोसिटी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पर वापस से उतनी ही वेलोसिटी हो गई जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पर भी हो गई वापस से उसी वेलोसिटी से, फिर वो रिबाउंड करेगा, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, फिर ऊपर गया 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 गया, यहाँ पर जाके वेलोसिटी फिर जीरो हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर जीरो होके नेगेटिव हुआ पर यहाँ पर सडनली जैसे ही वो ग्राउंड पर टच करेगी वैसे ही वेलोसिटी उसका सडनली रिवर्स हो जाएगा। तो ये बाउंसिंग बॉल का केस है। सी वाला केस देखते हैं, एक्सेलरेशन एकदम से इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया, ये इम्पल्स का केस है। किसका केस है, इम्पल्स का केस है। आप कहीं पर भी कोई सा भी केस देख सकते हो, जैसे कि जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर हमने बेट से बॉल को हिट किया, ठीक है, किसी बेट से हमने बॉल को हिट किया तो यहाँ पर जैसे ही ये हमारा बेट था, ठीक है, और इससे हम बॉल को अगर हिट करेंगे तो उस पर सडनली फोर्स लगेगा और वो जीरो हो जाएगा। तो ये इम्पल्स का केस है, जब सडनली फोर्स लग रहा है, एकदम से आपने बॉल को घुमा के मार दिया, ठीक है, तो ये इम्पल्स का केस है जिसमें, तो हमने सारे केसेस यहाँ पर देख लिए।